नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही ने समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने नदी में बढ़ रहे जल स्तर के बारे में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों व विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। समस्तीपुर के विधायक मगरदही घाट, चौधरी घाट, नीमगली, प्रसाद घाट, पेठियागाछी, कोठी घाट, जितवारपुर, हकीमाबाद घाट, मोरदीवा घाट और चकनूर घाट सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के बढ़ रहे जल स्तर के बारे में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। विधायक ने सभी लोगों से हमेशा सजग रहने की अपील की। उन्होंने विधायक द्वारा की गई तैयारियों को भी देखा और उसके बारे में पूछताछ की। इसके बाद वह मोरदीवा पंचायत के रसलपुर गांव के उस संवेदनशील स्थान को देखने पहुंचे, जहां नदी की धारा प्रत्येक वर्ष बांध पर भारी दबाव बनाती है और वहां तेज कटाव भी होता है। यह विधायक ने तटबंध के सभी संवेदनशील स्थल का बारीक निरीक्षण किया, इस स्थान पर बाढ़ को रोकने के लिए की गई तैयारी देखी और आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने रसलपुर में नदी के तीव्र दबाव को देखते हुए वहां तत्काल तार की बनी जाली से बोल्डर को संरक्षित करने की मांग सरकार से की। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर विधानसभा के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो सैनिटाइजेशन का जो योजना था वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी आंशिक रूप से किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत आंशिक रूप से हो पाया है। जिस तरह समस्तीपुर एक हॉट स्पॉट बन गया है, लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव लोग बड़ी संख्या में डेली मिलते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग का यह दायित्व बना कि भाई हम लोग भी इस दिशा में काम करें। सरकार की असफलता को देखते हुए, सरकार की फेलियर को देखते हुए, इसीलिए हम लोग अपने स्तर से पूरे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब तक कोरोना संकट विकराल रूप लेता जा रहा है, जब तक ठहरेगा नहीं, जब तक रुकेगा नहीं, तब तक हम लोग अपने स्तर से सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं और तरह तरह का जिस भी तरह का सहयोग हो सकता है वह हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस कोरोना के गंभीर संकट में जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे, हर तरफ यह फेल साबित हो रहा है और न सही से जांच की व्यवस्था है, न सही से इलाज की व्यवस्था है। लोग पूरी तरह से, मतलब प्रशासन और सरकार, फेल साबित हो रहा है। लोग इलाज जांच के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जांच सही से नहीं हो रहा है। इलाज के लिए जा रहे हैं, वो इलाज की व्यवस्था नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर कोविड का सेंटर बनाया गया है वहाँ पर भी पर्याप्त सुविधा वगैरह नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए। और डॉक्टरों की कमी है, जांच लैब की कमी है, अस्पतालों में अन्य बीमारी के लिए जो लोग जा रहे हैं उनकी कोई इलाज नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। सिविल सर्जन से भी हम लोग जाके मिले थे, प्रशासन के लोगों से आज भी मेरी लगातार संवाद में है कि समस्तीपुर की जनता को किसी तरह की कठिनाई न हो, इस संकट से उभर सके, इसलिए हम लोग लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं, सरकार के संपर्क में हैं और दबाव बनाए हुए हैं कि समस्तीपुर क्षेत्र को कम से कम बेहतर ढंग से इसका व्यवस्था किया जाए। और अगर जहां सरकार फेल हो रही है वहां हम लोग निजी खर्चे से भी तरह तरह का काम, इस तरह सैनिटाइजेशन वगैरह अन्य काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद सर।